धनबाद में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी और सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की पत्नी तारा देवी ने झारखंड सरकार के द्वारा घोषित सूखा राहत को छलावा करार दिया है। बीजेपी ने किसानों को सूखा राहत के रूप में प्रति एकड़ 25,000 मुआवजा राशि देने की मांग की है, साथ ही पशुपालकों के लिए भी राहत योजना की मांग की है। सरकार को हम लोग ये देना चाहते हैं कि वो 3500 रुपया जो किसान राहत कोष में दिया जा रहा है, जिस दिन से वो घोषणा किए हैं उनका घोषणा पत्र में ही सीमित है और इसका पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, तो हमारे गरीब किसान भाई किस तरह से ऑनलाइन करेंगे और इनका लाभ उनको कैसे मिलेगा। और ये कोई संतोषजनक नहीं है कि 3500 रुपया में किसान का जो घाटा हुआ वो भरपाई किया। हम लोग ज्ञापन दिए थे उसमें हम लोगों ने 25,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा देने का मांग किया था, क्योंकि आज जो स्थिति है ये सूखा नहीं है, आज राज्य में अकाल का स्थिति बना हुआ है और इस अकाल की स्थिति में न आप किसान की चिंता कर रहे हैं और न मवेशियों की चिंता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।